हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आप लोग यहाँ पर न्यू फेस की रिक्रूटमेंट आ चुकी है फ्रॉम एटीटी डेटा बिगेस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग अनाउंस फॉर 21-22-23-24-25 पेज वालों के लिए काफी बड़ा रिक्रूटमेंट रोल आप होने वाला एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का। नेक्स्ट न्यू टेस्ट पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास एग्जाम के मेल भी कुछ इस तरह देखने को आएंगे। एटीटी डेटा टेस्ट लॉक इन डिटेल्स, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन डेटा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, वी आर हियर बाय एडवाइज टू अंडरगो द कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। आपको टेस्ट का मेल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोग किस भी ग्रेजुएट्स हो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। जॉइनिंग भी आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा 2024 बैच वालों के लिए और 2025 बैच वालों के लिए। नेक्स्ट ईयर आपको जॉइनिंग देखने को मिलेगा, तो आप लोग भी अप्लाई जरूर करना। और लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। बाकी सबके लिए वीडियो को इंटर देखना। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो मैं आपको लिंक देने वाला हूँ यहाँ पर पे पेस्टा का। ये भी आप लोग के लिए जो है काफी अच्छा साइट होने वाला है। स्पॉन्सर नहीं है गाइस, पर आप लोग किसी और साइट को भी फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, सो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा एग्जाम पैटर्न सिलेबस के लिए आप लोग फॉलो करना। ये भी अदर कोई साइट से आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। सारे आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे दिए गए हैं, बस आपको सर्च करना है। चलिए बात करते हैं हायरिंग को लेकर। पहला ओके, चलिए बात करते हैं हायरिंग को लेकर। तो फिर आपका रोल आपका होने वाला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। ठीक है, ये आपका रोल है, लोकेशन पुणे का रहने वाला है, फुल टाइम का जॉब है। ओके, नीचे आते तो यहाँ पर आपको बताया गया है, नीचे में देखेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ स्किल्स है की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया गया है। और नीचे में आपका कुछ नॉलेज एट्रीब्यूशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज, मल्टीपल पब्लिक क्लाउड AWS, GCP, Microsoft Azure एंड Microsoft Office 365। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर रिक्वायरमेंट सी, सी प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये आप लोग जरूर रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो आप लोग को ये सारे स्किल्स तो आने ही आने चाहिए। इसके स्किल नॉन स्किल हो गया डॉकर कुबरनेटीज, ठीक है, CI/CD। ओके, देन आपको यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकते हो, तो बैचलर डिग्री रिक्रूटमेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड सभी अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल। ओके, इसके बाद इंट्री लेवल एक्सपीरियंस वर्किंग विद गो डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बहुत कुछ बताया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखना। इंट्री लेवल एक्सपीरियंस एजाइल एंड लर्न मेथोलॉजीज वगैरह कुछ है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को कानों में जाकर अपडेट करना बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, ये काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो अप्लाई आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू विल बी फेसिंग गेटिंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शन और यू आर अप्लाइंग फॉर दिस रोल। माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग NA फिलअप करके नेक्स्ट करके सबमिट कर देना। वोल्टेज रिव्यू आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, फिर अपलोड रिज्यूमे करोगे तो ऑटोमेटिक डेटा जो है आपको फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई करना। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका कंफर्मेशन मेल भी आएगा और उसके बाद फर्दर आपको टेस्ट मेल देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अप्लाई करना, काफी रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।